नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूं, जीके बहुत सारे इसमें 100 क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरल नॉलेज के एनडीए, सीडीएस, एफकैट, रेलवे, सीपीओ, सब इंस्पेक्टर और अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जो आप किसी भी यूनिवर्सिटी या लॉ के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के लिए देने जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। कुछ सजेशन है कि देखिए, एक एक क्वेश्चन मैं करके पढ़ता चलूँगा और जिसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होगी उसको एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। आपको सबसे अच्छा एडवाइस ये मैं देना चाहूँगा कि इस चीज़ को कान में लिड लगा के और हमेशा सुनते रहिए, ताकि ये चीज़ें सारी आपको याद हो जाएं। अगर 2 से 3 बार अगर ये पूरे क्वेश्चन को आप सुन लेते हैं तो बिल्कुल आपके 100 क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके मैं पढ़ता चलता हूँ। काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा ये चीज़ें, ये चीज़ करना बड़े ही मुश्किल, और इधर उधर से मैंने इकट्ठा करके क्वेश्चन पेपर बनाए हैं और कई सारे सेट्स मैं लेकर आया हूं और लेकर आता रहूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कि ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन, ओके, ऑप्टिक फाइबर आर यूज्ड इन, तो आप ऑप्शंस देख रहे हैं। तो इसका आंसर होगा एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक टेक्निक है जिसके थ्रू कैंसर की बेसिकली जाँच की जाती है। इसमें हमारे मुँह के द्वारा पेट में पाइप सी डाली जाती है और फिर हम स्कैन किया जाता है पूरे ही आँत वाले रीजन को, और इससे फिर क्या कहते हैं कि कैंसर की जांच की जाती है। इसमें ये हेल्पफुल है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एंडोस्कोपी, ठीक है। द बहमनी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, तो इसके बहमनी किंगडम किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये अलाउद्दीन हसन, ओके, अलाउद्दीन हसन, ठीक है। क्वेश्चन तीसरा, डू और डाई, डू और डाई इज़ द फेमस स्लोगन ऑफ होम, तो ये है महात्मा गांधी का स्लोगन, ठीक है, पता ही आपको। द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट वॉज सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी, ठीक है। सुचेता कृपलानी वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन एनी स्टेट, ओके, एंड शी वॉज फ्रॉम यूपी। द 12-digit यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार बिकेम मैंडेटरी फॉर विच काइंड ऑफ सेविंग्स, तो PPF, NSC और KBP, ये सब के लिए ज़रूरी है 12-digit का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो आधार कार्ड पर होता है, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन जो है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन, ओके, तो ऑप्शन हैं माइक्रोवेव, रेडियोवेव्स, ओके, यूवी रेज एंड एक्सरेज, यूवी रेज, रेडियोवेव्स एंड माइक्रोवेव्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा पता ही होगा आपको, ये होगा माइक्रोवेव्स, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज़ स्टिल यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा कनिष्का, ठीक है। कनिष्का जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडमिट्स द फॉलोइंग, हु अमंग द फॉलोइंग वन द नोबल प्राइज़ इन साइंस फॉर 2 different disciplines, तो ये थे मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी को 2 बार नोबल प्राइज़ मिला था, एक बार फिजिक्स में, एक बार केमिस्ट्री में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री ग्राम डिजिटल साक्षरता अभियान, तो ये था गांधीनगर में, गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर, इट इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हु वॉज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड को जीतने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे जो थे वो थे आचार्य विनोबा भावे, इनको मिला था। ही वॉज नॉट इन इंडिया बट इवन इन द एशिया, ठीक है, इनको मिला था भूदान आंदोलन के लिए सबसे पहली बार, एंड ही वॉज नन अदर देन आचार्य विनोबा भावे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज As per 2011 census data, which state in the country registered the lowest literacy rate? तो ये है बिहार। बिहार की literacy rate जो है पूरे इंडिया में सबसे कम है, ठीक है। Next question है कि who has written the झंडा गीत, तो झंडा गीत किसने लिखा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने झंडा गीत लिखा था, हिंद देश का प्यारा झंडा जो कहते हैं उसको, ऐसा करके कुछ गाना है। 13th question है कि when heated from 0 degree to 10 degree volume of a given mass of water will what? Decrease and then will increase. So firstly it will decrease and then will increase. Okay. So option D is the correct answer over here. Next is 14th question. Okay. What principle or law explain the working of the hydraulic brakes in automobiles? So ye hai Pascal's law. ठीक है, hydraulic brakes जो है ये Pascal's law पे पूरा का पूरा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर हार्मफुल गैस इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल विच कॉजेज एयर पोल्यूशन इज, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 15th का कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल, तो
तो ये है मध्य प्रदेश, बाकी राजस्थान, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश तीनों ही प्लानिंग काउंसिल में, प्लानिंग रीजन काउंसिल में आते हैं, और ये नॉट इंक्लूडेड है, कौन सा? मध्य प्रदेश. ओके, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय बालिका दिवस, गर्ल डे, ओके, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट. तो ये है 9th दिसंबर, एवरी ईयर 9th दिसंबर को क्या है कि गर्ल दिवस, बालिका दिवस और गर्ल डे मनाया जाएगा, ठीक है, 9th दिसंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इन विच अमेंडमेंट द वर्ड्स सोशल, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो 42nd पता ही होगा, 1976 42nd अमेंडमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट. सो द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स, द कमिटी ऑफ एस्टिमेट्स इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज द हाइएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, अनाई मुंडीज altitudes is, इसका हाइट पूछ रहा है, तो 2695 मीटर इट इज अबव फ्रॉम द सी लेवल, अनाई मुंडी का हाइट जो है. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स डू नॉट हैव व्हाट, वैक्यूम ट्यूब्स. बाकी स्पीच रिकॉग्निशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी है, बट दे डू नॉट हैव वैक्यूम ट्यूब्स. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, वैक्यूम ट्यूब्स नहीं है. नेक्स्ट इज क्लोव, लॉन्ग जिसको हिंदी में कहते हैं. द कॉमनली यूज स्पाइस इज ऑप्टेन फ्रॉम द फ्लावर बडो, एक्चुअली फूल का बड होता है, कली होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन होम. तो मराठा एंड अहमद साहब दाली, ठीक है, 1761 में हुआ था ये, ठीक है, मराठा एंड अहमद साहब दाली के बीच में हुआ था, राइट. नेक्स्ट इज 24th, द मुगल एम्परर हु अपॉइंटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ हिंदू ऑफिसर्स वॉज औरंगजेब. ओके, औरंगजेब इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, औरंगजेब ने सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिसर्स को एम्प्लॉय किए थे मुगल एम्परर में से. ओके, 25th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेजन ऑफ ओजोन लेयर. तो ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs, ठीक है, जो हमारे AC और रेफ्रिजरेटर से ज़्यादातर निकलता है. 26th क्वेश्चन, द लाइन क्रॉस ऑफ नॉर्थ मिडिल पार्ट ऑफ बिहार इज वॉट, स्क्रैप फॉल्ट. ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, द लाइन क्रॉस द नॉर्थ मिडिल पार्ट ऑफ बिहार इज स्क्रैप फॉल्ट, राइट. तो ये 26th क्वेश्चन था. ओके, 27th क्वेश्चन सेज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी. ओके, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज वॉट, इट इज एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है. 27th क्वेश्चन, 28th, फॉर विच पीरियड ऑफ फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड. तो ये 5 साल के लिए होता है, पता ही है, फॉर विच पीरियड, ठीक है, फॉर हाउ मच पीरियड इट कैन बी ऑल्सो सेट. तो ये 5 साल पे एक बार बनता है फाइनेंशियल कमीशन, फाइनेंस कमीशन रादर. नेक्स्ट इज 29, विच फॉर्मर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर वॉज सेलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया. ओके, तो उखानगिन खुलेसुक. ओके, खुरेलसुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू व्हाट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हमारा सबसे लास्ट मतलब छठा फंडामेंटल राइट है. ओके, नेक्स्ट 31st क्वेश्चन सेज क्यूरी इज द यूनिट ऑफ व्हाट, क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वॉज नॉट इंसर्टेड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है. तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये तीनों के तीनों 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंक्लूड किए गए थे, बट डिग्निटी ये इंक्लूड नहीं किया गया था. तो यहाँ आंसर होगा डिग्निटी, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, When there is a buyer and many sellers, then the situation is called what? Single buyer right. Single buyer right कहते हैं उस स्थिति को, उस परिस्थिति को, ठीक है. Next question, 34th question says कि who was the author of तब्त ई नसीरी. तबाकत ई नसीरी के लेखक कौन थे? तो ये थे मिन्हाज उस सिराज. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जा चुका है कई सारे एग्जाम्स में, मिन्हाज उस सिराज. 34th क्वेश्चन. ओके, 35th क्वेश्चन कि विच सुल्तान मेड अलाई गेट, अलाई दरवाजा किसने बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है,
फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 35th क्वेश्चन का आंसर होगा डी, फिरोज तुगलक। ओके, 36th क्वेश्चन, द साका एरा वॉज स्टार्टेड बाय होम। तो साका एरा स्टार्ट किया था कनिष्का ने, साका एरा किसने स्टार्ट किया था, कनिष्का ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37th क्वेश्चन सेज, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज एम्फिसेमा। एम्फिसेमा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 37, द डिजीज कॉज्ड बाय एस्बेस्टोस इज एम्फिसेमा, एम्फिसेमा, राइट। 38th क्वेश्चन सेज कि हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स इफ अ पर्टिकुलर बिल इज अ मनी बिल और नॉट। तो ये डिसाइड करते हैं हमारे स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड दिस। 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो अ रिट, इट इज कॉल्ड अ रिट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अ कोर्ट इशू, तो कोर्ट इशू कर सकता है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट में। ठीक है, रिट, अ रिट। 40th क्वेश्चन सेज, द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। द थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक का है ये क्वेश्चन है, इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 41, वट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो मैक्सिमम इंटरवल जो हो सकता है मैक्सिमम 6th मंथ्स का हो सकता है, 6 महीने का। ठीक है, द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया इज केरला। केरला इज ऑलमोस्ट द ओनली स्टेट इन द कंट्री विच प्रोड्यूसेस रबर एक्चुअली। ओके, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मलेशिया इसका उत्पादन करता है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd का, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। बेतवा रिवर। ओके, रानी लक्ष्मीबाई डैम इज लोकेटेड ऑन बेतवा रिवर। ओके, इसका मैक्सिमम पोर्शन जो है मध्य प्रदेश से होके गुजरता है। ठीक है, 44th क्वेश्चन, कार्तिक इज अ फोक डांस ऑफ बुंदेलखंड। ओके, कार्तिक इज अ फोक डांस ऑफ कहाँ पे, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कॉल्ड द फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता था, तो ये थे हमारे खान अब्दुल गफार खान। ओके, खान अब्दुल गफार खान, राइट। 46th क्वेश्चन सेज कि हु वन द जापानीज ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2017 टाइटल रिसेंटली हेल्ड। 2017 का क्वेश्चन, तो लेविस हैमिल्टन। लेविस हैमिल्टन देखिए बहुत ही अच्छे ये फॉर्मूला वन रेसर है। ओके, 47th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इंडिया लार्जेस्ट माइका बेल्ट इज फाउंड। तो हजारीबाग, गया एंड मुंगेर। देखिए कोडरमा एक जगह है, कोडरमा इज अ प्लेस इन झारखंड वेयर दिस माइका, मतलब जिसको हिंदी में अबरक कहते हैं, माइका इज फाउंड इन मैक्सिमम। ओके, देन 48th क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी हैज been established repercussion on the sophisticated karam kand of brahman religion. तो ये है भगवत कम्युनिटी। ओके, भगवत कम्युनिटी जो है ये ब्राह्मण रिलीजन के सोफिस्टिकेशन पे establish की गई है, भगवत कम्युनिटी, understood? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49th, ऑन विच वन ऑफ द हाइएस्ट फॉल्स इन एशिया हुंडरू इज सिचुएटेड नियर रांची। एक्चुअली जोन्हा और हुंडरू दो जलप्रपात हैं, जो दो वाटरफॉल हैं जो कि झारखंड स्टेट में हैं, और वो एशिया में वन ऑफ द हाईएस्ट फॉल्स में से एक हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 50th, विच इज नैरो मनी। नैरो मनी क्या है, इकोनॉमिक का टर्म है, देख लीजिए, द सम ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन एंड द डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक इज कॉल्ड नैरो मनी। द सम ऑफ करेंसी in circulation and the demand deposits in the bank is called narrow money, right? 51st question says the university which became famous in the post Gupta era was Kachi. Kachi university jo hai post Gupta era mein bahut hi flourish kiya isne, theek hai? Next 52 question, aam aadmi bima yojana provides social security to whom? All landless laborers लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। ओके, आम आदमी बीमा योजना यही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज, एक्साइज ड्यूटी ऑन अ कम्युनिटी इज पेएबल विद रेफरेंस टू इट्स व्हाट, प्रोडक्शन, विद रेफरेंस टू इट्स प्रोडक्शन, प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज, इनएक ई एन आई एस सी वॉज व्हाट,
एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ये नाम याद रख लीजिएगा, कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कई बार आ जाते हैं, तो ENIAC वॉज अ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर आर रिलेटेड टू विच कमर्शियल एक्टिविटी, तो ये है स्टॉक मार्केट के, बुल एंड बियर जो है स्टॉक मार्केट के ये हैं रिलेटेड वर्ड है। नेक्स्ट इज, वेयर इज द तानसेन टॉम लोकेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, तानसेन टॉम इज लोकेटेड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इज, सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर बेसिन्स आर कॉन्गो, कोलंबिया एंड यांगजी, यांगजी चाइना में है, ठीक है, कॉन्गो पता ही अफ्रीका में है, एंड कोलंबिया इज देयर इन US रीजन। सो सम ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट पोटेंशियल वाटर पावर रिवर्स आर कॉन्गो, कोलंबिया एंड यांगसी, ओके, यांगसी रीजन इज लोकेटेड इन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन 58th क्वेश्चन नंबर सेज दैट द आउटलाइंस ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज मेड बाय होम, पी सी महालनोबिस, ओके, पी सी महालनोबिस, बी एन गैडगिल नहीं, अलग कमेटी थी, द आउटलाइन ऑफ सेकेंड फाइव ईयर प्लान वॉज मेड बाई पी सी महालनोबिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59th, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इन सच विच डज नॉट कॉज राइज इन प्राइस इज इनकम टैक्स, ओके, सेकेंड क्वेश्चन ये, इनकम टैक्स इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। 60th क्वेश्चन, के विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस मेड इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कंपल्सरी इन द गवर्नमेंट एट्स स्कूल एंड कॉलेजेस, तो ये था मैकॉले एक्ट, मैकॉले माइनोट 1853 में जो आया था, ये इंग्लिश एजुकेशन को कंपल्सरी किया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, 1835 में आया था मैकॉले माइनोट एक्ट। ओके, नाउ 61 क्वेश्चन सेज, 61 क्वेश्चन सेड कि हु मेड हिज मार्क ऑन द एशियन टूर विद स्टनिंग विन ऑन द यगेंद्र टूर्नामेंट प्लेयर्स गोल्ड चैंपियनशिप इन टाइपेई रिसेंटली, तो ही वॉज जोनसन वीरमैन जो हैं ये हमारे बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट इज, मिस्ट इज कॉज्ड, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, मिस्ट इज कॉज्ड बाई वाटर वेपर एट लो टेम्परेचर, अंडरस्टूड। नाउ जीव मिल्खा सिंह इज वट, गोल्फ प्लेयर, ये मिल्खा सिंह जो हैं हमारे धावक थे जिनके ऊपर मूवी बनी थी, उनके बेटे हैं ये, एंड ही इज़ अ गोल्फर, ओके। 64th क्वेश्चन, इन मेडिवल इंडिया द डेजिग्नेशन महातारा एंड पाटाकिला वर यूज फॉर वट, मिलिट्री ऑफिसर्स, ओके, महातारा एंड पटाकिला वर यूज फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स, ओके, इन मेडिवल पीरियड डेजिग्नेशन थे ये, हमारे दो पोस्ट थी रादर। 65 हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली एट प्रेजेंट, 243, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा BPSC के में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, 243 बिहार में हैं, इसलिए क्योंकि बाइकमरल स्टेट है यहाँ पे, इसलिए ये पूछा जा चुका है। व्हेन डिड इंडियाज पॉपुलेशन टच 100 करोड़ मार्क, देखिए अभी लगभग हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है 132 करोड़ से ज़्यादा है, और सन 2000 मई में इसने 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड इज गैंजेस, सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन का डेल्टा पता होना चाहिए, 67th क्वेश्चन, ओके, सुंदरवन का डेल्टा, राइट। 68th क्वेश्चन सेज दैट व्हेन एंड वेयर वाज द गदर पार्टी फाउंडेड, ओके, सो गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन अमेरिका इन 1913 अमेरिका, ओके, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने स्थापना की थी इसकी, ओके। नेक्स्ट इज, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट डायनेस्टी, द ओल्डेस्ट डायनेस्टी अमंग द फॉलोइंग इज मौर्या डायनेस्टी, ओके, ठीक है, तो ये बिहार वाले रीजन, पटना वाले रीजन में बना था, और इधर ही इनका कैपिटल भी था। द ऑथर ऑफ द बुक माई कंट्री माई लाइफ, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है, लाल कृष्ण अडवाणी, जो BJP के सीनियर मोस्ट लीडर हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी, ओके। 71 नंबर क्वेश्चन से यस, द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड विथ जमींदार्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी, ठीक है, तो आंसर हेयर शुड बी मौर्य डायनेस्टी, ओके। 73rd नंबर क्वेश्चन से इज द मोस्ट फेमस एजुकेशनल सेंटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यान एज वॉज टैक्सिला,
तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था मौर्यान के समय में, मौर्य के समय, मौर्य डायनेस्टी के समय में सबसे ज़्यादा फेमस थी, सबसे ज़्यादा फ्लोरिश कर रही थी। ओके, 74th नंबर, इन द आई कलर विजन इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कोन्स। ठीक है, हमारे आँख में कोन्स होते हैं, ओके, तो उनके द्वारा जो है हमारा कलर विजन जो है वो अफेक्ट होता है। ठीक है, 75th नंबर क्वेश्चन है, ये कहता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चीनामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तो ये है जैनिज्म। ओके, विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासिक जीविका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तो ये है जैनिज्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 76 सेज व्हाट अपरेटस इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। सोनार। ठीक है, सोनार हमारे शिप में यूज होता है इवन डेप्थ पता लगाने के लिए। ठीक है, और चाहे कोई ऑब्जेक्ट का पता लगाना होता है तो सोनार यूज़ किया जाता है। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंचिंग। 77 नंबर क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स बाय द डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम ऐसे ही डिसाइड किया जाता है। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन प्रोसेसिंग टी लीव्स। ओके, तो फर्मेंटिंग, रोलिंग यूज़ किया जाता है, ड्राइंग विदरिंग यूज़ किया जाता है, बट ये फर्मेंटिंग नहीं यूज़ किया जाता है। 79th क्वेश्चन सेज द USA लिस्टेड सम स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म, हु वर दे। सूडान, सीरिया एंड ईरान। तो ये ऑल ऑफ दिस। ठीक है, द USA लिस्टेड सम ऑफ द स्टेट स्पॉन्सर्स। तो ये तीनों को USA ने दोषी करार दिया है टेररिज्म के लिए। ठीक है, कि वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80 नंबर क्वेश्चन सेज कि वेयर इज़ द मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहब हैज़ बीन प्रिजर्व्ड। तो ये है श्रीनगर में। श्रीनगर अभी एट प्रेजेंट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो यहाँ माना जाता है कि पैगंबर मोहम्मद का बाल प्रिजर्व करके रखा गया है। इन विच सेशन द कांग्रेस डिमांड द पूर्ण स्वराज वॉज एक्सेप्टेड एट द एम ऑफ कांग्रेस। तो ये लाहौर में 1931 में रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू ने मांग की थी। ठीक है, 82 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी गॉट द इंस्पिरेशन द सिविल डिसओबीडियंस फ्रॉम डेविड थॉरो। ये अमेरिकन राइटर थे और इनकी बुक्स फिलोसफर भी थे। इनकी बुक्स पढ़ के महात्मा गांधी को इंस्पिरेशन मिली सिविल डिसओबीडियंस को शुरू करने का। ठीक है, 83rd क्वेश्चन सेज इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट। ओके, 83rd का बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। 84th, विच इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। तो देखिए, केन भी है, सिंध भी है, बेतवा भी है, बट सोन इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। ठीक है, आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड अप ऑफ ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर। हमारी बोन्स और टीथ, दांत जो होते हैं, हमारे ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और हम आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो टीथ एनिमल है, जो दांत है, दैट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86th, वन बाइट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बिट्स। 8 बिट्स। ओके, 8 बिट होते हैं वन बाइट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया। इट इज द आंसर इज राजस्थान। द आंसर इज राजस्थान। द स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया इज राजस्थान। ओके, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसका है, तो ये है उत्तर प्रदेश का। हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया आज। तो ये है अ फेडरेशन नेशन के रूप में डिफाइन करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स आर केप्ट इक्वल थ्रू अ चेंज इन द लेवल ऑफ व्हाट। लेवल ऑफ कंजप्शन। नेक्स्ट इज द हाइएस्ट पीक ऑफ नागा हिल्स इज सारामती पीक। ओके, द आंसर हेयर इज सारामती पीक इज द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, सारामती पीक। ओके, 90th क्वेश्चन इज फिनिश्ड एंड नाउ ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट। ओके, सो 91 क्वेश्चन सेज द कमीशन अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द पंचायती राज वॉज चेयर्ड बाई होम। तो ये थे अशोक मेहता, 1977
1977 में अशोक मेहता की कमेटी के द्वारा ये चेयर किए गए थे पंचायती राज को, ठीक है। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज वन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स, तो ये थी मालवा रीजन, मालवा रीजन ने को अवंतिका, अवंतिका मतलब ऐसा जीत लिया गया था, ठीक है, नोन एज अवंतिका, ये मालवा रीजन को बोला जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांस अटलांटिक लाइनर SS Athenia, द फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू बी sunk ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज थॉट टू हैव बिन फाउंड ऑन द सी बेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विच प्लेस, तो ये माना जाता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश शिप डूबी थी वो अभी आयरलैंड में है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्री कैनोपी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम, ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम में ट्री कैनोपी पाई जाती है, ठीक है। विच ऑन द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आंसर हेयर इज माही, बाकी तापी, केन और तुंगभद्रा दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करती है और ये नॉर्थ टू साउथ माही। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज रेफर्ड एज डिपॉजिटरी सर्विसेज, सो द आंसर हेयर इज एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ओके, एन एजेंसी फॉर सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर 97, इफ द प्राइस ऑफ एन इंफीरियर गुड फॉल्स इट डिमांड्स राइजेस, इट डिमांड्स राइजेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट, एक्चुअली अंगोरा खरगोश होता है, अंगोरा खरगोश, ठीक है, उससे ऊन बनाया जाता है, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रैबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस अफेक्ट द वुमेन ईजली दैन द मैन, तो ये है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक जो है महिलाओं को ज़्यादा प्रभावित करता है दैन द मैन। वेयर डिड औरंगजेब डाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 लास्ट, वेयर डिड औरंगजेब डाई, तो ही डाइड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, ओके, ही डाइड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। ओके, सो इस वीडियो से अगर आपको जरा सा भी कुछ फायदा हुआ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अस अ लाइक, और अगर इस चैनल को आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आगे हम और भी सारा क्वेश्चन सेट आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आपका फ़ायदा होता रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वन ऑल द बेस्ट।